फ्रेंड्स, फिर से आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल आपका सब्सक्रिप्शन में। तो मेरे साथ अभी मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर सुरेश। तो आज वो मेरे वीडियो में है, बहुत सारे हेल्प करने वाले हैं, अच्छी तरह से वीडियोग्राफी कर लेते हैं, तो इनको साथ भी मिलकर आज वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? तो आज के वीडियो का टॉपिक है, अगर आपका शिपू अनएक्सपेक्टेड शटडाउन दिखाता है क्या, बीच बीच में चल चल के आपका रिस्टार्ट फिर से हो जाता है क्या, तो इसी का प्रॉब्लम सोल्यूशन लेके हम मैं आया हूँ। और आज इसके वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस किस कारण के लिए ये प्रॉब्लम आता है आपके सीपीयू में, और बार बार आपका सीपीयू चलते चलते ही आपका शटडाउन हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल पूरा आपको बताऊंगा मैं आपको कि इस तरह से कैसे रिकवरी किया जाए। पहले कारण होते हैं तो आपकी प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, जरूरत से ज्यादा आपका प्रोसेसर हीट हो रहा है, तो इसके लिए आपको थर्मल पेस्ट की रिप्लेसमेंट करनी होगी। अगर आपकी सीपीयू बहुत दिनों से चल रही है पर उसकी कोई सर्विसिंग नहीं किया है, साफ सुथरा नहीं किए हैं, तो उसमें बहुत सारा डस्ट आ चुकी होगी, तो इसके चक्कर में आपका सीपीयू भी बार बार शॉर्ट। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और इसके पूरा देखेंगे क्या सच में ऐसे होता है, और सीपीयू का खोल के देखेंगे सीपीयू के अंदर में क्या सच में ऐसे डस्ट आ चुका है। तो मेरे वाले सीपीयू में ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये मैं सोचा कि चलिए इसके बारे में आपको वीडियो बना देते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ कि मेरा सीपीयू की फ्रंट लुक दिखा रहा हूँ, तो आप गौर कर देख पा रहे हैं कि कितनी सारी डस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो इसकी मैं फ्रंट लुक आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके थोड़ा से ऊपर की तरफ देखना चाहेंगे तो यहाँ पे पावर स्विच दी गई है, दो यूएसबी पोर्ट दी गई है, एक माइक और ये ऑक्स पिन की दी गई है, और उसके नीचे हमारा डीवीडी राइटर की दी गई है, और यहाँ पे नीचे में उसकी थोड़ा सी कुछ इस तरह से लुक है। तो मैं उसके ऊपर की तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत सारे यहाँ पे डस्ट आ चुकी है, तो काफी लगभग 4 या 4.5 साल तक ये कुछ काम नहीं हुआ है। अभी ये रनिंग कंडीशन में है, पर इसको मैं कभी इसको खोल के अभी साफ सफाई नहीं किया हूँ, तो इसको आज मैं हम रिपेयरिंग करेंगे प्रॉब्लम को। और इसकी थोड़ी सी बैक साइड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि काफी सारा इसमें डस्ट आ चुकी है और बहुत दिनों से ये रहते रहते, तो आज इसी को ही हम क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी सारे के सारे कनेक्टर को है, चाइना मेड की आती है ये मोबाइल ट्यूनिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको स्टार स्क्रू ड्राइवर इसमें मिल जाएगी आपको, तो ये आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी इस बड़ी वाली स्क्रू ड्राइवर की, अगर बस ये है आपके पास तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये आपके पास है तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर छोटी मोटी काम होने के लिए ये जरूरत पड़ेगी, और लंबी कहीं पर जहाँ हाथ नहीं पहुँचता है तो इसके लिए बड़ी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साफ करने के लिए ये ब्रश की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद मैं थर्मल पेस्ट भी रखा हुआ हूँ, उसको भी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं खोलेंगे सीपीयू उसके बाद देखेंगे कि अगर प्रॉब्लम वहीं पर है तो भी थर्मल पेस्ट चेंज कर देंगे। तो तो दोस्तों देखिए आप इसकी हालत क्या हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं तो कितना डस्ट, उसकी तो पेस्ट भी नहीं है, और आप देख पा रहे हैं और काफ़ी सारा डस्ट हो चुकी है। इसके चक्कर में आपका
सिस्टम बार बार शॉट डाउन होता रहता है। तो पंखे की हालत भी देख सकते हैं आप, कितनी सारी डस्ट हो चुकी है। तो इसके लिए मैं बोल रहा था कि आपको ऊपर में साफ़ करना भी ज़रूरी नहीं है, एक बार अंदर से साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख पा रहे हैं ये उसकी फ्रंट कनेक्टर है, तो आपको उसी हिसाब से कनेक्ट करना है। आपको यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एक पिन नहीं है, तो एक पिन के लाइन पे आप देखिए दो लाइन होगा, तो इसमें से आपका एक लगेगा पावर की एलईडी, उसके बाद लगेगी पावर की स्विच। यहाँ पे पावर की एलईडी होगी, उसके फ्रंट में आपको लगने वाले हैं हार्ड डिस्क की, और उसकी पावर की स्विच के ठीक सामने में आपको लगेगी रिसेट की स्विच की। तो चलिए इसको फिट करते हैं, फिट करके देखते हैं कि हमारा ये कनेक्शन सही हुआ कि नहीं। तो चलिए इसको फटाफट लगाते हैं। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही पावर की लाइट चल चुकी है, यानी कि मेरी फ्रंट पैनल की कनेक्शन ओके हो गई है। अभी यहाँ पे तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा हार्ड डिस्क का इंडिकेटर हो गया है, पावर इंडिकेटर हो चुका है, और मेरा माइंडर में आ गया है, डिस्प्ले आ गया है। तो आप भी इस तरह घर पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप भी देख पाए कितना सारा गंदगी इसमें रहा था, तो हम इसको साफ कर दिया। और अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस तरह से नया नया वीडियो आपके पास लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपकी इतनी सारा प्यार देने के लिए मेरे को, और धन्यवाद।